देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार दोस्तों, बहनों, भाइयों, शुभचिंतकों, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। दर्शकों, एक बार फिर सेम मुद्दे के साथ उसी बात पर बात करने के लिए आज हाजिर। मुद्दा सिंपल एंड स्ट्रेट है कि हिजाब को लेकर इतना ड्रामा क्यों पसरा है, हिजाब को लेकर इतनी एक्टिंग क्यों है। विजुअल्स चलाएंगे जरा स्क्रीन पर, फुल विजुअल्स लीजिएगा डायरेक्टर साहब, सबसे पहले फुल विजुअल्स लीजिएगा ताकि लोग समझ सकें कि आखिर तस्वीरें क्या है। तो दर्शकों, ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ये दरअसल इसलिए दिखा रहे हैं और फुल स्क्रीन में इसलिए दिखाई, मैंने अलग से रिक्वेस्ट करके डायरेक्टर साहब से ये फुल स्क्रीन में इसलिए चलवाई ताकि आप बस एक चीज को देखिए, एक चीज कि भाई ये जो शेरनी है, ये जो आजकल लोगों की शेरनी है, ये स्कूटी से उतरती हैं, स्कूटी के अंदर तक जाती हैं, इस पूरी दरमियान ये देखिए, लास्ट तक देखिए, एक कैमरा है जो इनको फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द लास्ट इनको पूरा फोकस कर रहा है, ये कौन सा कैमरा है जिसको पता है कि यहां पर कुछ होने वाला है और लास्ट तक वही कैमरा फोकस कर रहा है, और वो कैमरा जिसकी तरफ ये लड़की बढ़ रही है, पूरा इस लड़की को पता है कि ये कैमरा जो है ये मुझको पूरा फोकस करेगा टिल द एंड। और फिर उसके बाद ये घुंघरू नाचे, ये सब आ गए, और फिर तो उसके बाद ड्रामे पे ड्रामा। हर कॉलेज, हर पीयू कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, टिल दिस। ये देखिए, ये भी आए हैं, इन उड़ुपी वी यूज टू नोन एज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, बट नाउ लुक एट अस, आर ओन रूलिंग पार्टी चूजेस टू ब्लेंटली इग्नोर आर कॉन्स्टिट्यूशन, द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी, द फायर हैज लिट एंड वी मस्ट स्मूथ द फायर, इट हिट्स अनदर डे, आवर राइट्स हैव बीन सीज्ड बाय पीपल हु थिंक इट्स, बट यू वोंट बी इन पावर फॉरएवर। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी बात, मतलब अगर हिजाब पहनकर क्लास के अंदर नहीं बैठ सकती तो दर्शकों इनके राइट्स छिन गए, इनसे सब कुछ स्नैच कर लिया गया है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कटु शब्दों में क्योंकि एक बात जरा सोचिएगा कि हिजाब जो है वो क्लास के अंदर बैठकर आपके अंदर कौन सा विमेन एम्पावरमेंट का टॉनिक डाल रहा है, वो कौन से टॉनिक की तरह काम कर रहा है जो आपको एम्पावरमेंट कर रहा है, जो आपको एम्पावर कर रहा है। हमने तो आज तक यह सुना था कि ये हिजाब जो है, हिजाब के अंदर जो भी है, जो भी चेहरा है, बीट हिंदू, बीट मुस्लिम, एनीबॉडी, ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन की निशानी है, ये कहीं ना कहीं पितृसत्ता को दिखाता है। और ये सब लोग भी, इनकी कोई गलती नहीं, आई डोंट केयर, इनकी कोई गलती नहीं, इन सबको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हिजाब जो है इनको पार दे रहा है, इनकी आइडेंटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, और ये ताकतवर है, ये इनका राइट है, और ये सब इनको कौन सिखा रहा है, ये सब इनको घर से पितृ सत्ता के द्वारा सीखने को। कोई भी कुत्ता भी कह ले कि हम चेहरा ढकेंगे, पूरे शरीर ढकेंगे, सब कुछ ढकेंगे, ए टू जेड हाथ भी ढकेंगे, लेकिन हर किसी को यह बात पता है कि ये स्पेसिफिक है कि कहीं ना कहीं घर से शुरू हुआ। हिजाब पहनिए, हिजाब पहनिए, और इनको भी पता है कि अगर हिजाब नहीं पहनेगी तो सबसे पहले तो घर पर बेदखल किया जाएगा, घर से अगर घर में पति है तो वो बेदखल कर देगा, दिस इज द मैटर। और मैं ये बात कर रहा था, ये देखिए कैमरा एक ही फोकस्ड है, उसी कैमरे के सामने आकर बाइट दे रही है, बाकी भी कैमरे हैं लेकिन नहीं, इसी पर्टिकुलर एक फोन वाला जो कैमरा है उसी के सामने ये जो सो कॉल्ड मुस्कान शेरनी जो है ये बाइट दे रही है, इसी कैमरे के सामने, पहले से सब कुछ स्टेज था, ये पूरा जो ड्रामा था इसको क्रिएट किया गया था, इसको पता था कि वहां पर कुछ हिंदू, ये देखिए ये हिंदू लड़के जो हैं, उनको पता था कि ये बाहर खड़े हैं, इनको पता था कि ये स्कूटी से जाएंगी तो वो लोग रकस क्रिएट करें, उसी रकस के बीच ये पहुंचती है,
और उसी रकस के बीच ये वहां पर एक अपना वीडियो प्रॉपर एक फिल्म शूट होता है प्रॉपर, और उस फिल्म शूट के बीच में ये वायरल हो जाता है। ये प्रॉपर उसी का एक पर्टिकुलर एक उसी का वीडियो था। इसके अलावा आपने देखा होगा वहां और भी कैमरास हैं, लेकिन किसी कैमरे का जो वीडियो फुटेज है वो वायरल नहीं, इस पर्टिकुलर वीडियो का जो फुटेज है वो वायरल है जिसके हम बात कर रहे थे। इसके बाद ये रकस क्रिएट हुआ है और आज मैं इस पर चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ दिनों पहले हम लवण्या तमिलनाडु के मैटर पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से लवण्या से कहा गया कि धर्म परिवर्तन कर लीजिए, कन्वर्ट हो जाइए, जब उसने मना कर दिया, when she resist, तब उससे कहा गया कि आपको वॉशरूम साफ करना, तब उससे कहा गया कि आपको वॉशरूम साफ करना है, टॉयलेट साफ करने है, आपको घर के ये जो हॉस्टल है इसके काम करने, और आखिर में उसे सुसाइड कर। ये एक बड़ा मैटर था, इसकी पूरी जांच हुई, लेकिन नहीं, वो सब नहीं हुआ। और अब हिजाब को, राइट टू हिजाब, ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा है लाइक सड़क पर निकलने पर भी पाबंदी है हिजाब पहनकर। ये बड़ा गलत नेगेटिव जो है सेट किया जा रहा है। उज्मा प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ गई। उज्मा प्रवीण जी, आप मुझको बस इतना समझा दीजिए, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी मिल रही है। ठीक है, आप क्योंकि विमेन राइट्स के लिए भी लड़ती हैं, आप मुझको बस इतना समझा दीजिए कि हिजाब पहनकर, मुझे किसी चीज से परेशानी नहीं है, हिजाब से किसी भी चीज से, मैं आज वो उन पर कोई बात भी नहीं करना चाहता, मैं बस इतनी सी बात पूछना चाहता हूं उज्मा जी आपसे कि इन लड़कियों को, इन बहनों को, इन बेटियों को ये कौन समझा रहा है कि शिक्षा के मंदिर में, या आप इसको किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनकर अगर ये बैठेंगी और पढ़ाई करेंगी तो इनको ज्यादा समझ में आएगा, या फिर ये विमेन एम्पावरमेंट का कोई नया मसला है, ये क्या है? पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस मंदिर की बात आप कर रहे हैं, शिक्षा का मंदिर, आप मंदिर भी कह रहे हैं और लोगों को जाने से वहाँ रोक भी रहे हैं, हर धर्म हर जाति के लोगों को, तो ये एक तरह का मेरा फंडामेंटल राइट है, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम जो चाहे वो पहने, हिजाब पहने, जींस पहने या कोई भी अदर ड्रेस पहने, ये हमारा आर्टिकल 21 के तहत हमारी च्वाइस, फाउंडेशन नहीं लगाई जाती है कि आप हिजाब ना पहने, आप फला ड्रेस ना पहने, फला कॉस्ट्यूम ना पहने, तो ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है जिसे हमें रोका जा रहा है, तो ये हमारी जीनत है और ये हमारी आबरू है, इससे खिलवाड़ ना किया जाए। मैं इसे पहले भी बता चुकी हूँ बहुत जगह पर, ये कि हमारा राइट है ये, और किसी महिला का राइट छीने का अधिकार किसी भी गवर्नमेंट, ठीक है, ये आपका राइट है, बिल्कुल राइट बात आप बिल्कुल बोल रही है, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि हिजाब पहनना आपका राइट है। अब मुझको ये बता दीजिए कि नमाज पढ़ना भी आपका राइट है, तो क्लासरूम के अंदर नमाज भी आप पढ़ेंगी, तो अगर आप फिर नमाज पर अगर आप आ जाएंगे तो मंदिर की पूजा भी आप देखते हैं, आप मंदिर की पूजा की वो देखिए 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 आप इसको अगेंस्ट मत करिए, आप सुनिए, आप उज्मा जी इसमें मंदिर कहां से आ गया, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आपने कहा कि हिजाब, बिल्कुल 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 उज्मा जी, मैं बस आपसे इतना पूछ रहा हूँ उज्मा जी, बस मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि हिजाब पहनना मेरा राइट है, तो मैंने आपसे कहा कि नमाज पढ़ना भी आपका राइट है, तो आप क्लासरूम के अंदर टीचर को रोकेंगे कि रुकिए भैया पहले नमाज पढ़ लेते हैं, तो नमाज भी आप पढ़ेंगे कल को? देखिए ये हमारी शरीयत के साथ, अरे शरीयत से देश नहीं चलता, शरीयत से देश नहीं चलता, शरीयत को हटाइए, शरीयत से देश नहीं चलता, आप बरगलाइए मत लोगों को, शरीयत से देश नहीं चलता उज्मा जी, शरीयत से देश नहीं चलता, अगर आपको शरिया ज्यादा पसंद है तो ईरान, इराक, पाकिस्तान यहाँ जाइए, शरीयत से देश नहीं चलता, ये कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है। अरे उज्मा जी, आपको किस मौलाना ने बरगलाया आप ये बताइए, शरीयत से देश नहीं चलता ना उज्मा जी, शरीयत से देश नहीं चलता है, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, अगर शरीयत ज्यादा पसंद है आपको, शरिया ज्यादा पसंद है, अरे शरीयत से देश नहीं चलता उज्मा जी, आप किस देश में रह रही हैं, आपको पता भी है आप भारत में, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, शरीयत से नहीं चलता है, बिल्कुल जमहूरियत, अरे जमहूरियत के नाम का ये जामुन मत पकड़ाइए, रुकिए आप रुकिए,
आप रुकिए, आप बोलने के, आप सुनिए, आप सुनिए, थोड़ा सा सुनिए। और इस तरह की बातें की जा रही है, हिजाब को लेकर किया जा रहा है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अरे फंडामेंटल राइट आपके बहुत सारे हैं, फंडामेंटल राइट तो आपके बहुत सारे हैं, फंडामेंटल राइट के लिए, लेकिन अधिकार क्षेत्र होता है एक राइट का। अगर आपका राइट कहीं और पे जाकर गड़बड़ कर रहा है, अरे अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट सुजमा जी समझिए ना, आपने कहा कि मेरा फंडामेंटल राइट है, आप लोग सरकार के हिसाब से इंसान खाएगा, पिएगा, पहनेगा, सोएगा, उठेगा, लेटेगा, मतलब सरकार तय करेगी। मतलब आप ये कह रही हैं कि क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के अंदर आप ये कह रही हैं कि क्लासरूम के अंदर मैं नमाज भी पढ़ूंगी, क्लासरूम के अंदर मैं हिजाब भी पहनूंगी क्योंकि मेरा राइट है। तो क्लासरूम के अंदर घर बना लीजिए, क्लासरूम के अंदर खाना बनाइए, क्लासरूम के अंदर चिकन बनाइए, क्लासरूम के अंदर मटन बनाइए, क्लासरूम के अंदर सब बनाइए ना, क्लासरूम है आपका राइट है, वहां पर खाना खाना भी तो आपका राइट है, खाना खाइए, आपका खाना बनाना भी राइट है, खाना बनाइए क्लासरूम के अंदर। अरे ये मोदी जी का देश नहीं है, उसमें बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ क्लासरूम के अंदर क्या हिजाब पहनेंगे। आपने कहा मेरा राइट है फंडामेंटल, फंडामेंटल राइट आपका खाना पकाना भी है, क्लासरूम के अंदर खाना पकाइए, फंडामेंटल राइट आपका। मैं कह रहा हूँ निकाह करना भी, निकाह करना जो होता है, शादी होती है मुस्लिम्स में, वो भी एक राइट है, क्लासरूम के अंदर शादी भी करिए। अरे एक जगह होती है मैम, कैसे आप पागल बना रही हैं लोगों को। अरे आप उजमा जी, आप पढ़ी लिखी हैं, आप क्यों लोगों को पागल बना रही हैं, क्यों मुस्लिम महिलाओं को आप बरगला रही हैं, आप ये बताइए क्लासरूम के अंदर कौन सा फंडामेंटल राइट काम करेगा। आप क्लासरूम में पढ़ने जाती थी कि वहां पर हिजाब पहन के जाती थी, कि आप वहां पर कोई पूजा पद्धति करने जाती थी। अब कल को हिंदू युवक वहां पर बैठ कर, ठीक है, अगर आपको हिजाब पहनकर क्लासरूम के अंदर नहीं बैठने दिया गया तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, अधिकारों के लिए लड़ेंगे। ठीक है, आप कल को कहेंगी, आप कल को सुनिए, सुनिए उजमा जी, सुनिए उजमा जी, काला कानून किसान बिल वापस हुआ है, इसी तरह से सारे कानून जो गलत सलत बनाए गए हमारे देश में, जिनके कोई महत्व नहीं है, उन्हें वापस लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली 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 आई एम सेइंग एग्जैक्टली एग्जैक्टली उजमा जी एग्जैक्टली, उत्तेजित मत होइए। अरे तीन तलाक बिल्कुल गलत लाए, आप तीन तलाक को अच्छा मानती हैं, आपके, आप एक बात बताइए, अगर मुस्लिम महिला, एक मुस्लिम विमेन को अगर एक पुरुष तलाक 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 कहकर घर से निकाल रहा है तो ये सही है क्या, कोई तीन तलाक 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 कहकर घर से निकाल रहा है तो सही है क्या। आपने कहा अभी कि तीन तलाक पर ये बीजेपी सरकार ने क्या कर दिया, आप क्या कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं, आप एंटी मोदी के चक्कर में, आप एंटी बीजेपी के चक्कर में ये देश की महिलाएं जो ऑपरेशन का शिकार हैं, जो शिकार हो रही हैं, उनके खिलाफ आप खड़ी हैं, आप कैसी महिला हैं आप। मैं मोदी जी की दुश्मन नहीं हूँ, मैं अखिलेश जी की दुश्मन नहीं हूँ, हमारी लड़ाई सिर्फ आइडियोलॉजी की है, विचारधारा की है। अरे हिजाब पहनना क्लासरूम के अंदर कौन सी विचारधारा की लड़ाई है, हिजाब पहनना क्लासरूम के अंदर कौन सी विचारधारा की लड़ाई है, आप पागल बना रही हैं लोगों को। हिजाब पहनकर क्लासरूम के अंदर बैठना कौन सी लड़ाई है, ये कौन सी लड़ाई है, मुद्दे उठाते हैं, बड़े-बड़े फालतू के मुद्दे उठाते हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ? देश की तरक्की से ताल्लुक है। अरे देश की तरक्की कहाँ से आ गया इसमें, हिजाब पहनकर अंदर बैठेंगी तो देश की, अरे नहीं चाहिए ऐसी देश की तरक्की। अरे रुकिए फॉर अ सेकंड, अरे रुकिए फॉर अ सेकंड, उजमा जी फॉर अ सेकंड रुकिए, उजमा जी रुकिए, उजमा जी जीडीपी देश की तरक्की, अरे उजमा जी, अरे पर्सनल नहीं है भाई, क्लासरूम के अंदर बैठकर हिजाब पहनेगी पर्सनल नहीं है, तो आप छोड़िए, क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनना अलाउड नहीं है। पता करो जरा, तनाव है क्या, जरा पता करो, ये लफ्ज आपने सुना होगा, हाँ, कि देश में चुनाव है क्या, सड़कों पे तनाव है क्या, तो देश में चुनाव है क्या, तो इस लड़की को समझाइए, ये लड़की जो फिल्म कर रही है मुस्कान जिसका नाम है, इसको समझाइए देश में चुनाव है क्या, ये क्यों बुर्का पहनकर जा रही है अंदर, ये बुर्का पहनकर क्लासरूम के अंदर क्यों बैठना चाहती है, इसको समझाइए, ये क्यों ऐसा क्रिएट कर रही है, हमारा राइट है,
अरे राइट नहीं है, कैसे राइट है आपका? तमाशा कर रही हैं आप, कल को क्या नमाज पढ़ेंगी क्लासरूम के अंदर बैठकर? देश है ये, तमाशा नहीं है, देश है तमाशा नहीं है। अगर आपकी मम्मी का दुपट्टा कोई छीन ले तो आप उसे क्या जवाब देंगे? दुपट्टा किससे छीन लिया आपका? उसे लेंगे। अब मेरी मम्मी क्लासरूम में जाकर थोड़ी ना बैठ जाएंगी, या आप थोड़ी ना बैठ जाएंगी? आप जाइए कल को, आप जाइए नोएडा, नोएडा नोएडा इंटरनेशनल स्कूल के अंदर आप जाइए। आप बकवास कर रही हैं, नोएडा इंटरनेशनल स्कूल के अंदर आप जाइए, बुर्का पहनकर आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, फिर चिल्लाते रहिएगा कितना भी मेरा राइट है राइट है। अरे देश को आपने तमाशा बना दिया है, देश को देश रहने दीजिए, ये देश को, ये मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, देश को तमाशा मत बनाइए उज्मा जी। और आप पढ़ी लिखी महिला होकर बकवास कर रही है ऑन स्क्रीन, आप मत करिए, ये मेरा राइट है, वो मेरा राइट है। अरे कोई राइट नहीं है आपका, देयर इज नो राइट। क्या राइट है आपका? ये आपका राइट है कि आप क्लासरूम के अंदर बुर्का पहनकर बैठेंगी? नहीं है आपका राइट। और मैं तो कह रहा हूं अरेस्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसे बकवास कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को घसीट रहे हैं इसमें। राइट है, क्या राइट है आपका? कल को आप कहां बैठेंगी? कल को आप एक सेकंड एक बात बताइए, कल को आप लेबोरेटरी के अंदर बैठकर आप कहेंगे कि मैं नमाज पढ़ूंगी यहां पर, ये मेरा राइट है? कैसे राइट है आपका ये? कैसे राइट है आपका ये? नमाज पढ़ेंगे आप क्लासरूम के अंदर, ये राइट है आपका? मैं बताऊंगा, बिल्कुल आपको बताऊंगा। आप जैसे लोग जो बरगला रहे हैं, आप जैसे लोग जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं, उनको बताने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है। आप लोग मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, मुस्लिम महिलाओं को आप बरगलाती हैं, आप कैसी महिला हैं? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसे लोग हैं दर्शक, ऐसे लोग, इनको हटाइए आप, ऐसे लोग हैं दर्शक। मुस्लिम महिलाओं को विमेन एम्पावरमेंट अगर सीखना है, अपने देश की सभी मुस्लिम बहनों से एक बात करें, जम्मू कश्मीर में कल 12th का एक रिजल्ट आया है, उसमें हमारी एक बहन है, उसने 500 में से 499 अंक पाए, पूरे प्रदेश में उसकी वाहवाही, वो है विमेन एम्पावरमेंट, वो है विमेन एम्पावरमेंट। हमारे देश की कई मुस्लिम महिलाओं ने चोटी तक वो पहुंची है, वो है विमेन एम्पावरमेंट, ये है विमेन एम्पावरमेंट। लेकिन ये कुछ लोग ये खुद नहीं पहनती उज्मा जी, बिलीव मी ट्रस्ट, उज्मा जी को मैं जानता हूं, खुद कभी हिजाब नहीं पहनती, खुद कभी बुर्का नहीं पहनती, क्योंकि ये सो कॉल्ड मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ती है, इन्होंने कभी खुद नहीं पहना। लेकिन आज ये हमारी छोटी छोटी बहनों को, बेटियों को, ये इनके अंदर ये माइंडसेट क्रिएट कर रही है कि हिजाब बुर्का तुम्हें पहनना है, ये राइट है, ये आइडेंटिटी है, ये मुस्लिम हो तुम। ये नहीं चाहते कि इनका कभी भी ये नहीं चाहते कि कभी भी ये मुस्लिम बहनें आगे बढ़े, कभी भी ये कुछ कर पाए। आज बताइए, इनकी सियासत ये CFI की है, ये BFI की जो स्टूडेंट विंग है उसकी है, ये ड्रामा कर रही है, नाटक कर रही है। और ये उज्मा जी अभी हमारे साथ जुड़ी थी, ये कह रही है कि क्लासरूम के अंदर बैठकर अगर वो हिजाब पहनना चाहती है हमारा राइट है, बुर्का पहनकर बैठना चाहती है हमारा राइट है। अरे राइट का भी एक कार्य क्षेत्र होता है, एक निर्धारित क्षेत्र होता है, अधिकार क्षेत्र होता है, मेरा भी एक अधिकार क्षेत्र है, लुंगी पहनना मेरा राइट है। तो क्या लुंगी पहनकर मैं कहीं भी घूमता रहूंगा? हद, मजाक बना दिया है सब, इसी चीज से पोलराइजेशन होता है, इसी चीज से। जैसा कि उज्मा जी ने भी बोला ना कि मैं तो क्लासरूम के अंदर बैठूंगी और बुर्का पहनूंगी, ये मेरा राइट है, कल को कहेंगी मैं नमाज पढ़ूंगी, मेरा राइट है। कोई राइट नहीं, इन जैसे लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, और जो ज्यादा ऐसा बोल रहे हो उनको, सभी बाकी जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम बहन भाई हैं, उनको इनको अपोज करना चाहिए। और ज्यादा जो बकवास कर रहे हैं उनके लिए बकायदा ये बोल रही थी, अभी ऑन स्क्रीन बोल रही थी, ऑन एयर बोल रही थी कि हम शरीयत को मानते हैं। अरे जो शरीयत को मानते हैं उनको उन देश भेजिए, 55 से ज्यादा देश है, उनको उन देश में भेजिए जहां पर शरीयत लागू है। ये इतना ज्यादा अगर इंटरेस्टेड है शरीयत में तो इनको वहां पर भेज देना चाहिए, क्योंकि देश तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलेगा, दो देश जो है वो IPC से ही चलेगा, IPC की धारा ही लगेगी अगर कोई गलत काम करेगा। देश शरीयत नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। तो जिनको शरीयत ज्यादा पसंद है उनका
टिकट जो है वो अपना ले सकते हैं और जा सकते हैं। और ये बात बोली जाती है क्योंकि कुछ लोग हैं जो परस्त हैं, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं वो मुस्लिम राष्ट्र वाली सारी चीजें लेना है, उन्हें सेकुलर से कोई मतलब नहीं। बकवास है, क्या सेकुलर तमाशा है, कोई मतलब नहीं इन लोगों को। ये छिपे हुए नाग हैं, इनको सेकुलर से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब धर्मनिरपेक्षता से इनको कोई मतलब नहीं। ऑल दे वांट इज कि मैं यहां बुरका भी पहनूंगी, मैं यहां हिजाब भी पहनूंगी, मैं यहां ये करूंगा, मैं वहां वो करूंगा। ऑल दे वांट इज अ मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र। तो ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके या तो अरेस्ट करना चाहिए, और मैं तो कहूंगा अरेस्ट भी नहीं करना चाहिए, इनको बाहर भेजना चाहिए, इनको मुस्लिम राष्ट्र में भेजना चाहिए जहां इनको शरीयत भी मिले, जहां उनको हिजाब पहनकर शिक्षा के मंदिर में यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाने की इनको इजाजत हो, ऐसी जगह पर इन लोगों को भेज देना चाहिए। अब इनको ज्यादा टॉलरेट करने की आवश्यकता नहीं। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात, शुक्रिया। देखिए भारत @9 काबेंद्र चौहान के साथ।